देखिए मोलारिटी दिस इज फिफ्थ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. द नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज मोलालिटी. मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम. जरा डिफरेंस देखिए, मैंने मोलारिटी को लिखा रहने दिया है जानबूझ के, इसके सामने मैं लिख रहा हूं मोलालिटी. इधर मैं कैपिटल एम का इस्तेमाल कर रहा हूं, इधर स्मॉल एम. डिनोट करते समय भी इधर ब्रैकेट में मैंने कैपिटल एम लिखा है, इधर ब्रैकेट में मैंने स्मॉल एम लिखा. दिस इज मोलारिटी. रिटी आर है इधर, आर रिटी, और इधर लिखा है मोलालिटी. लिटी एल, एल है इधर लिटी. सिर्फ इस जगह पर डिफरेंस दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए. दिस मोलालिटी इज डिफाइंड एज, मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. जरा बड़े ध्यान से देखिए, मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस को देखिए. नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों जगह है न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में इधर भी नंबर ऑफ मोल्स, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स. बट हियर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाइल हियर वी आर नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. इसका मतलब क्या हुआ? एक किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स हो, एक किलोग्राम सॉल्वेंट के साथ जितने मोल्स डाले गए हो, दैट इज मोलालिटी. यदि हम कहें 2 मोलल NaOH, तो 2 मोलल NaOH का मतलब है 1 kg ऑफ वाटर इज एडेड विथ 2 moles ऑफ NaOH. दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी. मैं इस मोलालिटी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं. मोलालिटी इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एक ग्राम सॉल्वेंट में जितने मिलीमोल्स डाले गए, दैट कैन बी, दैट वुड बी ऑल्सो मोलालिटी. अब मोलालिटी की खास बात क्या है, जरा देखिए. नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, फिक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. और वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. जो सॉल्वेंट का वेट है वह भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा. टेम्परेचर आप बढ़ाओ या घटाओ, सॉल्वेंट के वेट में कोई फर्क नहीं आना. इट मीन्स मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी खास बात है. इसी वजह से मोलालिटी का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा हो या टेम्परेचर का वेरिएशन संभव हो. वहां पर हम कहेंगे भले ही टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर घटे, पर जो सॉल्यूशन की मोलालिटी आपने एक बार डिटरमाइन कर दी वही रहेगी. टेम्परेचर के चेंज होने से मोलालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा. जहां टेम्परेचर वेरी हो रहा है वहां मोलालिटी के बजाय फिर मोलालिटी का इस्तेमाल करते हैं. 12th स्टैंडर्ड में मोलालिटी का भरपूर उपयोग होगा, भरपूर इस्तेमाल करेंगे. वंस अगेन इस इक्वेशन को रीअरेंज तो हम कर ही सकते हैं. मोलालिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज नंबर ऑफ मोल्स. दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी कैन ऑलवेज राइट बाय रीअरेंजिंग दिस मोलालिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज नंबर ऑफ मोल्स. बड़े ध्यान से मोलालिटी को देखिए, मोलारिटी को देखिए, दोनों में डिफरेंस को देखिए, इसे नोट डाउन कीजिए. और अब हम अगला मेथड समझेंगे. प्लीज नोट इट डाउन.
नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज फॉर्मैलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. फॉर्मैलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. इट्स रेयरली यूज्ड, कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होती है, बट सिंस इट्स देयर तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, इसके बारे में बताता हूं. फॉर्मैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. फॉर्मैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. जिस तरह से हमने मोलारिटी डिफाइन करी है, बिल्कुल उसी तरीके से हम फॉर्मैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं. जैसे हमने मोलारिटी डिफाइन करी है, वैसे ही हम फॉर्मैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं. तो फिर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? जैसे मॉलिकुलर वेट हम किसी मॉलिक्यूल का डिफाइन करते हैं, NaOH के लिए हम मॉलिकुलर वेट कहेंगे और उस मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करेंगे. H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, इसके लिए हम मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करेंगे और डिफाइन करेंगे. बट इफ वी टॉक अबाउट ब्लू वाइट्रॉल ना, ब्लू वाइट्रॉल कोई मॉलिक्यूल तो नहीं है, ये तो एक फॉर्मूला है. एंड फॉर्मूला फॉर ब्लू वाइट्रॉल इज CuSO4.5H2O. This is blue white troll. CuSO4.5H2O. इस blue white troll के लिए हम molecular weight term नहीं कहेंगे, इसके लिए हम कहेंगे formula weight. इसके लिए हम कहेंगे formula weight. Formula weight कहेंगे. वह फॉर्मूला वेट डिटरमाइन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कराता. कॉपर के लिए 63.5, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 4×16 प्लस 5×वाटर का 18. इस तरीके से हम फॉर्मूला वेट डिटरमाइन करेंगे. अब फिर हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट. कैसे डिफाइन करते हैं? वेट अपॉन फॉर्मूला वेट. और ये जो नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट है, नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. उसी तरीके से नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट इज वेट अपॉन फॉर्मूला वेट. दिस इज नंबर ऑफ फॉर्मूला. And number of formula upon volume of solution in liter. This termed as formality. इस तरह से हम formality define करते हैं. It's really a formality when I describe this definition. It's not at all required. In fact, it would be rarely used. और use होएगा भी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है. जैसे आप मॉलिकुलर वेट निकालते हो, उसी तरीके से फॉर्मूला वेट निकाल लो. फॉर्मूला वेट हम कब डिफाइन करते हैं? जैसे यदि हम कहें ग्रीन वाइट ट्रॉल, ब्लू वाइट ट्रॉल या बेकिंग सोडा की यदि हम बात करें, तो बेकिंग सोडा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसके लिए मॉलिकुलर वेट नहीं कहेंगे, ये एक फॉर्मूला है. और वह फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3.10H2O. तो इसका जो वेट होगा उसको हम फॉर्मूला वेट कहेंगे. या फिर हम कहेंगे वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O. या फिर हम कहेंगे ग्रीन वाइट ट्रॉल FeSO4.7H2O. इस तरीके से इनके लिए, इन फॉर्मूले के लिए हम फॉर्मूला वेट निकालते हैं, और फॉर्मूला वेट से नंबर ऑफ फॉर्मूला, और नंबर ऑफ फॉर्मूला से हम फॉर्मैलिटी. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मोलारिटी डिफाइन करा है. नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज नॉर्मैलिटी. उसे बताता हूं, पहले से लिख लीजिए.
After teaching about formality, the next method of expressing concentration is normality. It's denoted by capital N. Once again, normality के बारे में पूरी तरह से डिटेल में तो मैं पार्ट थ्री में समझाऊंगा. अभी मैं पार्ट टू करवा रहा हूं. पार्ट थ्री में मैं नॉर्मैलिटी को बड़ा डिटेल में समझाऊंगा, और कोई बहुत ज्यादा देरी से नहीं, अभी से 3-4 महीने के बाद जब मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन समझाने जाऊंगा तब. अभी सिर्फ मैं किसकी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक एप्लीकेशन समझाता हूं, जिससे कि पार्ट टू का कोई भी प्रॉब्लम करने में समस्या नहीं आए. नॉर्मैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब यह इक्विवेलेंट क्या होता है अभी नहीं बताता. इक्विवेलेंट क्या होता है इस बारे में डिटेल में मैं आपको पार्ट थ्री में ही समझाऊंगा, नॉट एट दिस स्टेज. एक लंबी कहानी है. मैं एक और तरीके से नॉर्मैलिटी को डिफाइन करता हूं. ऊपर भी 10^-3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 10^-3 से मल्टीप्लाई करो. तो इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन. 10^-3 से मल्टीप्लाई करने से इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वह मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, और उसको हम MEQ लिखते हैं. इक्विवेलेंट को EQ और मिली इक्विवेलेंट को MEQ, मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट. और वॉल्यूम इन लीटर्स को जब 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम इन ML हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ML. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मैलिटी. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, ये सब बात की बात है. अभी सिर्फ यह डेफिनेशन नोट करते हैं. इनफैक्ट इस डेफिनेशन को रीअरेंज करके भी लिखना सीख लेते हैं. नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और दूसरी बात नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन ML. यह नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इस वॉल्यूम इन लीटर्स को ऊपर ले गया. नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, एंड नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन ML इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट. यह डेफिनेशन और यह रीअरेंज्ड एक्सप्रेशन, इसे ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए. अब इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें इधर अप्लाई करनी होगी, दैट इज रिलेटिंग दिस नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी. हम कहते हैं नॉर्मैलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू सम एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर. नॉर्मैलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. इसे आप नोट करो, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, एंड दिस एन फैक्टर इज, व्हाट इज दिस एन फैक्टर, इट्स आइदर नंबर ऑफ एच पॉजिटिव एक्सचेंज, इट्स नंबर ऑफ एच पॉजिटिव एक्सचेंज, और इट्स नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एक्सचेंज्ड, और इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड. इस तरीके से हम एन फैक्टर को डिफाइन करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे, काहे को करेंगे, ये सब बात की बात है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, यह बात की बात है. अभी तो आप इस स्टेज पर सिर्फ इस डेफिनेशन को नोट डाउन करो, और नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में इस रिलेशनशिप को नोट डाउन करो. मैं बहुत डिटेल में इस एन फैक्टर के बारे में पार्ट थ्री में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में
पार्ट थ्री में समझाऊंगा। पार्ट थ्री में हम बड़े डिटेल में इन सब चीजों को सीखेंगे, वो एक लंबी कहानी होगी। अभी तो सिर्फ शॉर्ट में हम पार्ट टू वाला स्टडी पैकेज हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके, उसके सारे सारे प्रॉब्लम्स कर सके, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए लिख रहे हैं। नॉर्मैलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मैं एक और चीज लिख दूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। और यह एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज नंबर ऑफ एच पॉजिटिव एक्सचेंज, रिएक्शन में या कहीं पर भी जितने एच पॉजिटिव एक्सचेंज होते हैं, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन जितने एक्सचेंज होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जितने एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे HCl एक एच पॉजिटिव ट्रांसफर करेगा, NaOH एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इन दोनों के लिए एन फैक्टर वन होगा। जबकि यदि हम बात करें H2SO4 दो एच पॉजिटिव ट्रांसफर करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दो हाइड्रोक्सिल आयन ट्रांसफर करेगा, इसके लिए एन फैक्टर टू होएगा। अभी इस स्थिति में नॉर्मैलिटी की यही नॉलेज काम में आएगा, यही चीज बता रहा हूं, पार्ट थ्री का इंतजार करें, बड़े डिटेल में समझाऊंगा नॉर्मैलिटी के बारे में, यह सारी बात लिख लें। अगला मेथड कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए बताता हूं, पहले इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज PPM। आई थिंक नाइन्थ मेथड PPM, वी रीड इट एज पार्ट्स पर मिलियन। इट्स पार्ट्स पर मिलियन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिलियन? मिलियन इज थाउजेंड टाइम्स थाउजेंड। मिलियन मींस थाउजेंड टाइम्स थाउजेंड। मिलियन इज 10^6। जो मिलियन होता है इट्स थाउजेंड इंटू थाउजेंड और 10^6। बिलियन मींस थाउजेंड इंटू थाउजेंड इंटू थाउजेंड 10^6। ट्रिलियन मींस 10^9। बिलियन मींस 10^9। ट्रिलियन मींस 10^12। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन PPM इज डिफाइंड एज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 10^6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ PPM। दिस इज PPM, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 10^6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यदि हमने कहा 10 ppm ऑफ कैल्शियम आयन इन टैप वाटर, 10 ppm ऑफ कैल्शियम आयन इन टैप वाटर, इसका मतलब है इफ वी टेक 10^6 ग्राम्स ऑफ टैप वाटर, इफ वी टेक 10^6 ग्राम्स ऑफ टैप वाटर, इट वुड कंटेन 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आयन। 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आयन वुड बी कंटेन्ड इन 10^6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं इस बात को लिखता हूं 10 ppm कैल्शियम आयन इन टैप वाटर। इसका मतलब है 10^6 ग्राम ऑफ टैप वाटर कंटेन 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आयन। सबसे पहली बात, इट्स ऑलवेज यूज्ड वेयर द कंसंट्रेशन इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल। इट्स यूज्ड वेयर
कंसंट्रेशन इज वेरी स्मॉल। जैसे कि अभी अभी हमने लिखा है, टैप वाटर में मिनरल्स का कंसंट्रेशन काफी कम होता है, टैप वाटर में कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इनका कंसंट्रेशन काफी कम होता है। इस केस में कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल होता है। इट्स जनरली यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर हार्डनेस ऑफ वाटर, लाइक मेजरिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट डू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर? जब हम हार्डनेस की बात करते हैं, व्हाट मेक द वाटर हार्ड, व्हाट डू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर? हम कहते हैं जो जनरली बोरिंग का पानी होता है, दैट इज हार्ड वाटर। इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। जैसे आपने देखा होगा बाल्टी जिसमें हम पानी भरते हैं, या जो वेसल्स हैं जिसमें हम पानी भरते हैं, उनके नीचे सॉल्ट की एक लेयर, एक परत जम जाती है। दैट इज जनरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। दैट इज ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ वाटर। मैं इस बात को लिखता हूं, हार्डनेस ऑफ वाटर, इट्स ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन वाटर। पानी के अंदर कैल्शियम सॉल्ट होते हैं। कौन से कैल्शियम सॉल्ट? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। यह सॉल्ट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनफैक्ट सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल और सॉल्ट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप, सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, और सेकेंड ए ग्रुप सॉल्ट। इनकी वजह से पानी के अंदर यदि यह सॉल्ट है तो वह हार्ड वाटर कहलाता है। हार्ड वाटर जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। इसकी वजह से जैसे हार्ड वाटर से यदि आप कपड़े धोओगे तो वो कपड़े ब्रिटल हो जाएंगे, वो फटेंगे बड़ी जल्दी। कपड़े धोने के लिए वी ऑलवेज रिकमेंड सॉफ्ट वाटर। यदि हार्ड वाटर इस्तेमाल करा तो वो कपड़ा बड़ी जल्दी फट जाएगा, क्योंकि ये हार्ड वाटर जनरली डिपॉजिट हो जाते हैं, कपड़े के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, इनको धोना संभव नहीं हो पाता, ये धुलते नहीं है, और इनके डिपॉजिशन हो जाने से वो कपड़ा फिर जल्दी फटने लगता है। जैसे जिस बाल्टी में आपने हार्ड वाटर डाला तो उस बाल्टी के पैंदे में पर जो नीचे है वो हार्ड वाटर की एक लेयर बनती चली जाती है, धीरे धीरे वो मोटी होती चली जाती है। इन्हीं हार्ड वाटर की वजह से जो फिटिंग्स है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे नल जो है ओवरहेड टैंक के, ओवरहेड टैंक से पानी आपके शॉवर में या नल से के थ्रू आता है, और वो धीरे धीरे उनके जो छेद है वो भरने लगते हैं, और पानी जो आने की स्पीड है वो कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन छेद पे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट डिपॉजिट होने लगते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट।
ये जो सॉल्ट है, यह सॉल्ट वहां पर प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, और उनसे वो जो पोर्स हैं वो उनको भरने लगते हैं, और इस वजह से वो फिटिंग्स धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं, वो बेकार होने लगती है। जनरली हम होटलों में तो वो वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट लगाते हैं। यदि आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो 5 स्टार होटल में खास बात यह है कि वो बहुत महंगी महंगी फिटिंग्स होती हैं। जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट्स हैं, उसमें जो फिटिंग्स लगी हुई है वो बहुत कॉस्टली है, और वो कॉस्टली फिटिंग्स बेकार हो जाती हैं यदि हार्ड वाटर होगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाएंगी। अब उनको यदि खराब होने से बचाना है तो ओवरहेड टैंक जहां पर पानी स्टोर्ड है वहां पर एक वाटर सॉफ्टनर प्लांट लगाया जाता है। वो जो वाटर सॉफ्टनर प्लांट है वह प्लांट वाटर से इन सॉल्ट को हटा देता है, रिमूव करता है, और इसे रिमूव करके वाटर को सॉफ्टन कर देता है। इन सॉल्ट की जगह पर वह सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट डाल देता है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। दिस आर इनसॉल्युबल सॉल्ट, दिस आर इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड हेंस दे प्रेसिपिटेट, एंड हेंस प्रेसिपिटेट। यहां इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, और प्रेसिपिटेशन की वजह से बाल्टी के नीचे जम जाते हैं, वेसल के नीचे परत जम जाती है। प्रेसिपिटेट होके यह शॉवर को के जो छेद है उनको ब्लॉक कर देते हैं, जो नल के जो पोर्स है जिनके थ्रू पानी बाहर आना है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो पानी आना बंद हो जाता है। आप जब नया नया नल लेकर आते हो तो बड़ी तेजी से उसमें से पानी बाहर आता है, बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड फ्लो के साथ में पानी बाहर आता है, और साल 2 साल के बाद वो पानी बिखरने लगता है, सही तरीके से सही अमाउंट पानी का नहीं आता है, प्रॉपर उसकी स्पीड भी नहीं रहती है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सच सॉल्ट ऑन द ओपनिंग ऑफ दोस टैप। वो जो नल है उसकी जो ओपनिंग है उन ओपनिंग पर इन सॉल्ट के डिपोजिशन की वजह से। अब ये जो हार्डनेस होती है यह भी दो तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। नाउ टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट। मैं इधर लिखता हूं इस बात को, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं हार्डनेस किस लिए होती है। हार्डनेस इज ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल और सेकेंड ए ग्रुप मेटल्स। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, बे मक्का सिर 12, बे बेरिलियम, मग मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सिर एसआर, स्ट्रॉन्शियम बा, बेरियम रा, रेडियम। रेडियम जो है वह रेडियो एक्टिव है, उसको हम बात नहीं करते हैं। इन सॉल्ट ये जो एलिमेंट है यह सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट है, यह सेकेंड ए ग्रुप के मेटल्स हैं। इन सेकेंड ए ग्रुप के मेटल को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। वाई द टर्म अल्कलाइन, बिकॉज दे आर अल्कलाइन इन नेचर। इनके जो सॉल्ट होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, कड़वे होते हैं, बेसिक होते हैं, अल्कली नेचर के होते हैं, अल्कलाइन है, इसीलिए अल्कलाइन। एंड व्हाई अर्थ मेटल, बिकॉज दे आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ पर मिलते हैं, जमीन पर मिलते हैं। ये अर्थ पर क्यों मिलते हैं, बिकॉज दे आर जनरली इनसॉल्युबल। ये सॉल्ट, इनके जो सॉल्ट होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट, एंड हिंस फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट।
यदि ये सोल्यूबल होते तो समुद्रों में पानी के साथ बहकर चले जाते और समुद्रों में मिलते, जैसे अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल जो सोल्यूबल है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सोल्यूबल है। सोल्यूबल है इसलिए बारिश में पानी में डिजोल्व होते हैं, पानी में डिजोल्व होकर नदियों में बहते हैं और नदियों में बहते हुए सीधा सीधा समुद्र में जाके मिल जाते हैं। और समुद्र में जितने भी सॉल्ट मिल रहे हैं वो सब सोल्यूबल सॉल्ट है, उनको हम अल्कली सॉल्ट कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, सोडियम पोटेशियम। और ये जो बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये पानी में डिजोल्व ही नहीं होते। पानी में जब डिजोल्व नहीं होते तो ये बहते नहीं है, जब ये बहते नहीं है तो जमीन पर ही रह जाते, यही जमीन बना रहे, ये अर्थ क्रस्ट पर मिलते। इनके सॉल्ट प्रेसिपिटेट होते हैं और इनके सॉल्ट जब पानी में मिल जाए, थोड़ी बहुत थोड़े से मात्रा में मिलते हैं, और जो थोड़ी सी मात्रा में पानी के अंदर मिल गए उसी की वजह से वो पानी जो हो जाता है हार्ड वाटर हो जाता है। और ये हार्ड वाटर से यदि हम नहाए तो हमारे बाल बड़े चिपटे चिपटे हो जाएंगे, ये सॉल्ट बालों में डिपॉजिट हो जाते हैं और वो बाल बड़े हार्ड हो जाते हैं, हमको बड़ा बुरा लगने लगता है। इनसे नहाए तो हमारी बॉडी के ऊपर भी ये थोड़े डिपॉजिट हो जाते हैं, वी विल फाइंड अ बिट अनकंफर्टेबल। इन सॉल्ट की वजह से पानी के अंदर हार्डनेस होती है। अब ये हार्डनेस भी दो तरह की है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, नाउ टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट सॉल्ट, इट्स ड्यू टू कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट सॉल्ट, बायकार्बोनेट सॉल्ट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बायकार्बोनेट। इन सॉल्ट की वजह से जो हार्डनेस है वो टेम्पररी हार्डनेस होती है। व्हाई डू वी कॉल इट टेम्पररी हार्डनेस? बिकॉज दिस हार्डनेस कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय सिंपल केमिकल मेथड्स। दिस सॉल्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वॉटर, फ्रॉम द हार्ड वॉटर बाय सिंपल केमिकल मेथड्स। मैं इस बात को लिखता हूं, इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल केमिकल मेथड्स। हम इस चैप्टर में उन मेथड्स को सीखेंगे। इसको हम टेम्पररी हार्डनेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह वाकई में टेम्पररी होती है, इसे रिमूव कराया जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है। इन सॉल्ट को बड़ी आसानी से सिंपल केमिकल मेथड से हम पानी के अंदर से हटा सकते हैं और पानी को सॉफ्ट बना सकते हैं, इसी वजह से हमने इसे टेम्पररी हार्डनेस कहा। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू कार्बोनेट सॉल्ट एंड बायकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इट्स ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट। और इसको हम टेम्पररी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट्स अ टेम्पररी, इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस। व्हाइल परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू सल्फेट एंड फॉस्फेट सॉल्ट। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू, मैं इधर लिखता हूं, इट्स ड्यू टू सल्फेट एंड फॉस्फेट सॉल्ट, फॉस्फेट सॉल्ट। कैल्शियम सल्फेट की वजह से, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से कैल्शियम फॉस्फेट CaCPO4 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम फॉस्फेट की वजह से Mg3PO4 होल ट्वाइस। इनकी वजह से जो हार्डनेस होती है, सल्फेट और फॉस्फेट की वजह से जो हार्डनेस होती है उसे हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट यदि है, मैग्नीशियम फॉस्फेट यदि है, कैल्शियम सल्फेट यदि है, मैग्नीशियम सल्फेट यदि है,
स्ट्रॉन्शियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, तो वह वाटर परमानेंट हार्ड होता है। ना ना व्हाई डू वी कॉल इट परमानेंट हार्ड? बिकॉज दिस सॉल्ट कुड नॉट बी रिमूव्ड इजिली बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। इन सॉल्ट को पानी के अंदर, यदि पानी के अंदर यह सॉल्ट डिजॉल्व्ड है, तो इन सॉल्ट को आसानी से सिंपल केमिकल रिएक्शन से आप हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। ये पानी में रहेंगे, ये पानी को परमानेंटली हार्ड बनाकर रहेंगे, और इसी वजह से हम उसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में यह सारी बात जानी है, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस इस बारे में बात जानी है। हम बड़े डिटेल में आगे प्रॉब्लम्स आएंगे और उन प्रॉब्लम्स में हम इन चीजों को देखेंगे कि हार्डनेस को कैसे रिमूव करा जाता है। एक और बात मैं बताता हूं, हार्डनेस ऑफ वाटर इज जनरली, इट्स ऑलवेज मेजर्ड इन इक्वलेंट पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसे भी नोट के रूप में लिखता हूं मैं, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन इक्वलेंट पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी इसे सिर्फ नोट के रूप में लिखो, मैं इसे प्रॉब्लम के द्वारा समझाऊंगा। वाटर की जो हार्डनेस है, हम इक्वलेंट पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। कोई सा भी सॉल्ट हो, मैग्नीशियम फॉस्फेट हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो या कैल्शियम फॉस्फेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, कोई सा भी सॉल्ट हो, इनकी वजह से वाटर हार्ड है। हम इनका इक्वलेंट CaCO3 निकालते हैं और इक्वलेंट CaCO3 निकाल के फिर उसके हम ग्राम से डेटा माइन करते हैं और उससे हम ppm ऑफ इक्वलेंट कैल्शियम कार्बोनेट डिटरमाइन करते हैं और उसी से हम हार्डनेस को मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं, रेट करते हैं, उसी से हम वाटर की क्वालिटी को समझते हैं। हम जनरली कहते हैं डे टू डे लाइफ में जिस वाटर को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, दैट शुड बी सॉफ्ट वाटर, उसमें हार्डनेस कम होनी चाहिए। वाटर जितना अधिक हार्ड होगा उतना ही समस्या है, उतना ही नुकसान है, उतना ही हमारे बर्तनों को नुकसान है, उतना ही बाल्टी को नुकसान है, उतना ही हमारे कपड़ों को नुकसान है, उतना ही हमारी फिटिंग्स को नुकसान है। ये सब चीजों को खराब करता है हार्ड वाटर। और केमिकल कैलकुलेशन में हमारा यही कोशिश होगी कि पहले तो वाटर की हार्डनेस को मेजर करा जाए, फिर मेजर करके उसको कम करने के तरीके समझे जाए, कम करने का प्रयास करा जाए, उसको रिमूव करने की कोशिश करी जाए। और इसे हम ppm, जब भी ये काम करेंगे तो ppm इस मेथड को हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आखिरी एक और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मेथड बताता हूं, साथ में कंसेप्ट भी बताऊंगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।